शिवपुरी का करेरा बना अवैध रेत का बड़ा गढ़। रेत माफिया के आगे प्रशासन नतमस्तक। करेरा के अवैध उत्खनन को लेकर लंबे समय से शिकायतों का एक बड़ा अंबार इकट्ठा हो गया। करेरा में रेत माफियाओं द्वारा हमारे क्षेत्र की नदियों का छीना सल्ली कर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक लंबी शिकायतों के बावजूद भी खनिज अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खनिज अधिकारी की मिलीभगत से चल रहा अवैध रेत का काला कारोबार, जंगल और नदी का सीना चीर कर रेत का काला खेल जारी। रेत का खेल में कई नेता और प्रशासन की मिलीभगत। शिवपुरी के करेरा में रेत का काला खेल जारी है। शिवपुरी के करेरा में रेत का टेंडर तो कंपनी को हुआ है, लेकिन काम शिवा कॉरपोरेशन नाम की कंपनी कर रही है, जो कि मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। मध्य प्रदेश के करेरा में रवि यादव नामक व्यक्ति इस पूरी रेत के काले कारोबार का सरगना है। लीज तो सिर्फ कल्याणपुर खदान की हुई है, लेकिन चितारी और सीहोर क्षेत्र की कई अवैध रूप से घाट संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है सीहोर घाट, चितारी घाट, टीरा घाट, पाल घाट, बंटी सरदार का घाट, नवजोत सरदार का घाट, पुला घाट आदि का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण कंपनी शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है। वहीं जब इस संबंध में शिवपुरी के खनिज अधिकारी में एक खासियत और है कि वो अपने ऑफिस के समय भी गायब रहते हैं। अपने पर्सनल काम से आखिर क्या शिवपुरी जैसे अहम जिले को ऐसे सुस्त अधिकारी कैसे देख पाएंगे? शिवपुरी के खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा से संपर्क किया तो उनको सूचना होने के बावजूद भी वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए कि खनिज अधिकारी के मिलीभगत से संचालित हो रही अवैध रेत की खदानें? संवाददाता अजय राज सक्सेना की रिपोर्ट।